देखो ये जो ये हाईवे देख रहे हो ना, ये गुड़गांव हाईवे, इधर से गुड़गांव जाता है। अभी हम लोग को जाना पड़ेगा इधर, यहाँ ये यहाँ से सीधा जाओगे तो रांची का फैक्ट्री मिलता है। ये जो बड़ा सा फैक्ट्री देख रहे हो ना, यही है दांची का फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर झंडा लगा हुआ है। देखो दांची का झंडा लगा हुआ है एक तरफ, और एक तरफ इंडिया का भारत का झंडा लगा हुआ है। यही है दांची का फैक्ट्री। अभी हम लोग सीधा जाएंगे फैक्ट्री के अंदर, जाने देंगे या नहीं देंगे मालूम नहीं है। हेलो नमस्कार, मैं किशोर गौतम और आप लोग देख रहे हैं किशोर साउंड और कैबिनेट। देखो भाई, आप सोच नहीं सकते हो अभी मैं कहाँ पर आया हूँ। अभी मैं सडनली दांची का स्टेबलाइजर फैक्ट्री विजिट करने आया हूँ। दांची को मालूम भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं किया हूँ, सडनली इसको सरप्राइज देंगे, इनका फैक्ट्री विजिट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो अभी हम लोग आए हैं, गेट बंद है, दांची रॉबिन पावर सप्लाई दांची लिखा हुआ है यहाँ पर, देख सकते हो। ठीक है, अभी आके हम लोग सीधा जाएंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी, हाँ भैया मैं यूट्यूबर हूँ, एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। आपका मालिक कहाँ पर है? मालिक अंदर ही है। मैं जा सकता हूँ अंदर? ठीक है सर, थोड़ा गेट खोल दीजिए। ठीक है भैया, अभी गेट से तो अंदर आ चुके हैं, अभी सीधा जाके मालिक से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। तो अभी फ्रंट कैमरा था, अभी मैं बैक कैमरा से मैं अंदर जाऊँगा सीधा। ये है दांची का ऑफिस, अभी सीधा मैं अंदर जाऊँगा, कैमरा ऑफ नहीं करूँगा। यहाँ पर ये मुझे पहचानते ही नहीं पहचानते, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी मैं सीधा दांची, यहाँ पर देख सकते हो आप दांची, ये ऑफिस लिखा हुआ यही होगा ऑफिस। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, सर जी मैं किशोर साउंड कैबिनेट एक यूट्यूबर हूँ सर, एक वीडियो बनाने आया हूँ दांची का, मैं वीडियो बना सकता हूँ? बना सकते हो जी, आपके वजह से जो प्रमोशन होती है हमारी कंपनी आपकी है। सर आप मेरे वीडियो देखते हो क्या? देखते हैं। आप मुझे पहचानते हो? पहचानते हैं, क्यों नहीं सर। आप सर वीडियो आती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा बोलते हो सर। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर आप कौन, एक बार कैमरा में बोल दीजिए सर, आप कौन हो? मैं अर्जुन गुलाटी, दांची कंपनी का ओनर। ओ आप ऑनर आप ही हो सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। एक बार मैं फैक्ट्री विजिट कर सकता हूँ? कर सकते हो नहीं, पर आपकी फैक्ट्री अपनी है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। तब मैं अभी कुछ जरूरत पड़ा था, मैं आपको भी बुला लूंगा। ठीक है सर। देखो भाई काफी अच्छे मालिक काफी अच्छे लगे, अब सीधा अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखो ओनली स्टाफ, स्टाफ ओनली लिखा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो। ये केवल आज मेरे लिए खुला होगा। यहाँ पर देखो भाई, जैसे हम लोग फैक्ट्री के अंदर आते हैं ना भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो भैया। हेलो एक्सक्यूज मी, भैया किससे बात करना पड़ेगा? मुझे कुछ छोटा सा वीडियो बनाना है भैया। ऑन कैमरा सब, एक भी कटिंग करें नहीं नहीं करेंगे। यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टेप बजा, देखो भाई स्टेप बजा, स्टेप बजा चारों तरफ। फैक्ट्री विजिट कर रहे हैं अभी। हेलो साहिल सर, अरे बाप रे बाप रे। हेलो सर, आप कैसे सर? सडनली मैं दिल्ली आया था, एग्जीबिशन तो कैंसिल हो चुका है, आपको मालूम है, इसीलिए मैंने सोचा दांची का स्टेबलाइजर फैक्ट्री विजिट कर ले, क्योंकि बहुत सारा कस्टमर का रिकमेंड था, क्योंकि किशोर भाई दांची का वीडियो बनाओ एक। सर यहाँ पर इतना स्टेबलाइजर रखे हो सर, इसके बारे में मुझे कुछ बोलो ना, सीधा काम के मुद्दा में आता है सीधा सीधा। हाँ सर, सर ये कौन सा मॉडल, इसके बारे में कुछ बोल दो। 12 KB का सर्वो है। ये 12 KB का सर्वो है सर, ऑटोमेटिक सर्वो है। और यहाँ पर आप लोग पीछे में देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये 12 का, ये प्योर 100% कॉपर लिख के यहाँ पर देख सकते हो, दांची का 12 KB का। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सर, ये 5 KB का, ये भी सर्वो है भाई। सर सर्वो तो आप लोग समझ गए होंगे, ये सर्वो सर, ये कितना का है सर? ये सर 5 KV का सर्वो, ऑटोमेटिक सर्वो टाइप स्टेबलाइजर। ओ ये सर्वो नहीं है, सर्वो टाइप है, टाइप है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर और रिले बेस्ड है, जैसे इसमें मोटर होती है। हाँ जी, मोटर बेस्ड होता है। हाँ जी, ट्रांसफार्मर बेस्ड है सर। इसका बारे में अभी मैं थोड़ा देर बाद को और एक बार पूछूंगा, क्योंकि मुझे कुछ अभी ये नया लगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई, यहाँ पर ये सर्वो, सर्वो की तरह है लेकिन सर्वो नहीं है, सर्वो की तरह है सर। ये काफी बड़ा स्टेबलाइजर सर, कितना केवी का है? ये 20 KV का, डीजे सिस्टम के लिए होता है सर। ये केवल स्पेशल फॉर डीजे के लिए 20 KV का है। इसमें 6 सॉकेट्स दिए हैं, उसके बाद भी अगर आपको कम पड़े तो आप इसमें और लगा सकते हैं आउटपुट। ओ यहाँ पर देखो, फिर से मैं बोलूंगा, ये 6 पावर सॉकेट दिया गया है, और आपको आउटपुट कम पड़ा तो आउटपुट भी देने का ऑप्शन रखे हैं, इनपुट यहाँ पर। और एक चीज मैं आपको बोल दूं भाई, आदमी केवल ब्रांड 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 बोलते हैं ना, ब्रांड क्या चीज होता है, ब्रांड कैसे बनता है, ब्रांड किस तरह से बनता है, आज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ भाई। कोई एक तो नाम चिपकाने से केवल ब्रांड नहीं बनता भाई, ब्रांड बनने के लिए कंप्लेन एकदम जीरो आना चाहिए, और 100% कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। ये एक ऐसा ब्रांड है, दांची एक ऐसा ब्रांड है जो पूरा पूरी डीजे इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा फीचर ला रहे हैं ना अपना स्टेबलाइजर, इतना ज़्यादा। अब इसमें क्या क्या फीचर है,
इनको मैं थोड़ा देर पूछूंगा, सर इसमें क्या क्या फीचर है इसके बारे में थोड़ा सा बोल दो ना, ये 20 kVA का है जो स्पेशल फॉर डीजे। ये स्पेशल डीजे के लिए, इसमें ना आप एम्पेयर और फ्रीक्वेंसी मीटर है जो लोड बताएगा आपको और फ्रीक्वेंसी बताएगा कि कितने पे आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है। अगर ग्रिड पर चलाओगे तो 50 हर्ट्ज़ चलेगी, जनरेटर पर चलाओगे तो 60 हर्ट्ज़ चलेगी, तो उसमें शो करेगा आपको 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़। तो ये वाला फीचर किसी भी और ब्रांड में नहीं है, ये सिर्फ सबसे पहले हम ही लाए हैं इस ब्रांड इस फीचर को। आप कहने चाहते हो जो एक एक स्टेबलाइजर में वोल्टेज मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर और वोल्ट एम्पेयर एम्पियर फ्रीक्वेंसी मीटर सारा मीटर जो सबसे पहले इंडिया में दाची लाया है क्या? 100% देखो देखो अभी तक किसी का नहीं आया है। देखो भाई इसीलिए भाई ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता, मैं इसीलिए आपको बोला था दाची अभी इंडिया का बोले तो एक नंबर, इसको इंडिया का एक नंबर ब्रांड बोल सकते हो। फैक्ट्री आके विजिट बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आप मैं हमेशा दाची को वीडियो भी बनाता हूँ, दाची का क्वालिटी काफ़ी कस्टमर को बेचता भी हूँ, कोई भी कस्टमर से अभी तक एक पीस भी कंप्लेन नहीं आया। जो भी कुछ आया छोटा मोटा किसी का कुछ हुआ वो भी तुरंत उसका सर्विस हो जाता है। ठीक है सर, इसके बारे में कुछ बोलो। ये 10 kVA का है, जैसे ये 20 kVA, 10 kVA, 5 kVA, 3 kVA, ये सारे 5 kVA के स्टेबलाइजर। यहाँ पर देखो भाई सारे भाई 5 kVA के सारे, मैंने आप लोग समझ नहीं इतना बड़ा फैक्ट्री में भाई। यहाँ पर देखो यहाँ पर 15 kVA का पूरा भर के रखे हैं, यहाँ पर देखो 10 kVA का भर के रखे है। देखो ओ भाई देखो सर इसके बारे में, ये सर ये कौन सा है? ये 5 kVA का, इसमें 4 sockets हैं, तो जैसे इसका लोड कम होता है तो इसमें 4 sockets हैं, इसका लोड ज़्यादा होता है तो इसमें 6 sockets आउटपुट। और ये 3 kVA का, ये 3 kVA का है। सर यहाँ पर देखा मैंने अभी कुछ नया सा बोर्ड, ये पावर सॉकेट है, ये हमने लास्ट मंथ ही लॉन्च करा है। हाँ, इसमें जैसे अलग अलग बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं चलाने के लिए, लाइट होते हैं, डीजे होते हैं, तो वो ना वो ढूंढते हैं सॉकेट्स नहीं मिल पाते उन्हें, तो उसमें हमने एक पावर बोर्ड बना दी जिसमें सारे सॉकेट्स एक ही जगह हो गए और उसमें ऊपर आपको बताएगा भी कि इसमें 8 सॉकेट दिया गया है। वोल्ट मीटर है ना? हाँ सर वोल्ट मीटर है। हाँ, इसमें वोल्ट मीटर दिखाएगा और MCB कितना एम्पियर का होता है सर? ये 32 एम्पियर, 32 एम्पियर का एक MCB दे के रखे है और ब्रांडिंग देखो दाची का दे रखे है। और जैसे ही ये आपका ओवरलोड होगा तो ये डाउन कर देगा, ओवरलोड होने से ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। ओ भाई बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा फंक्शन है। और 15 kVA में 63 एम्पियर का, ये सर कितना के बी का था अभी? ये 10 kVA, ओ 10 kVA में 32 एम्पियर का लगता है और 15 kVA में 63 kVA लगता है। ऑन होगा, अगर आप इस पर लोड ज़्यादा करोगे तो ये डाउन हो जाएगा। ओ भाई ये तो काफ़ी अच्छा है। देखो भाई और एक चीज़, ये जो मीटर है ना इसमें भी दिखाता है आपका लोड कितना है सारा सर। और इसके बारे में कुछ बोलो सर, ये छोटा मेन लाइन का स्टेबलाइजर है 5 kVA का। ये 5 kVA का क्या मेन लाइन का? घर के लिए, ये घर के लिए, मैंने ये डीजे के लिए नहीं है, घर के लिए। अगर आपको ऑटोमेटिक होता सारा, एक बार आप लगाओ और अपना भी वर्क, वो एक बार लगाओ तो भूल जाओ इसको। और ये सर ये एसी का 4 kVA 90 volt, ये एसी के लिए, मैंने एसी बोले तो एयर कूलर जिसको आप लोग एयर कूलर बोल, एयर कंडीशन, एसी बोले तो इलेक्ट्रिक नहीं, एयर कूलर जो ठंडा करने वाला मशीन होता है ना एसी, ये उसके लिए 4 kVA 130 volt से, 4 kVA 130 volt से 130 इनपुट है, ये भी एसी के लिए। ओ सर अब और क्या दिखाना चाहे तो हम लोग का अभी दर्शक के लिए, मैं आया हूँ इतना दूर से, सिलगुड़ी से आया हूँ सर, एग्जीबिशन तो कैंसिल हो गया, मैं सिलगुड़ी से आया हूँ, अपना दर्शक के लिए क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो स्टॉक रेडी हो रहा है, इतना सब जगह काम करने के लिए इतना देखो, इतना स्टाफ भरे हुए हैं सर। मुझे किस तरफ से दिखाओगे आप अभी अपना फैक्ट्री विजिट किस तरफ से कराओगे? देखो भाई वीडियो को मैं अभी कट जितना हो सके कट नहीं करूंगा, जो सीधा सीधा दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो भाई अभी ये ट्रांसफार्मर के लिए ये कॉपर यहां पर लपेट रहे हैं, ठीक है। यहां पर किस तरह लपेटा जाता है मैं आपको एक बार दिखा दूं, देखो यहां पर एक चीज़ दिखा दूं पहले इस कोयल में तार को लपेटते हैं, इस कोयल में तार को लपेटते हैं, ये कोयल में, अभी ये कोयल से इसमें लपेटेंगे। चलिए अभी करके दिखाते हैं, वीडियो को कट नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो होने दो। ये फर्स्ट टाइम ही होगा कोई यूट्यूबर स्टेबलाइजर का फैक्ट्री विजिट कर रहा है, फर्स्ट टाइम है इंडिया में। देखो भाई देखो, देखो भाई ये है क्वालिटी, समझ गए? ऐसे ही ब्रांड नहीं बनता, इसीलिए मैं बोल रहा था, ऐसे ही ब्रांड नहीं बनता है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है तो ही ब्रांड बनता है सर। और यहाँ पर क्या काम होता है सर? डीजे के लिए सारे वो बन रहे हैं, वो होता मेन लाइन और एसी में लगता है वो गोल्ड ट्रांसफार्मर में। और एक चीज़ मैं भूल गया था, ये गोल्ड ट्रांसफार्मर जो है ना ये डीजे में काम नहीं आता है। अगर किसी के पास में स्टेबलाइजर गोल्ड ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर है
तो भाई आप लोग रोने के लिए तैयार हो जाओ। ये केवल इलेक्ट्रिक के लिए या एसी के लिए है, और अपना डीजे के लिए ये ट्रांसफार्मर नहीं, डीजे के लिए ये ट्रांसफार्मर चाहिए जो 100% कॉपर से बनता है। यहाँ पर देखो भाई, कंपनी देखो क्या कंपनी यूज करते हैं, एक बार दिखा दूँ सर एक मिनट। ये लोग आरआर कंपनी का वायर यूज़ कर रहे हैं, देखो आरआर कॉपर का गेज भी देख सकते हो, आरआर कंपनी है। यहाँ पर गेज देखिए सारा एकदम, कुछ वीडियो कट नहीं सर, इसको करके दिखाइए एक बार। सर यहाँ पर क्या होता है सर, ये लपेटने के बाद में यहाँ पर इसको हर लेयर पे हम पेपर लगाते हैं। ओ, हर लेयर के पेपर लगता है, वो हीटिंग होने का संभावना जीरो। हाँ जी, जैसे ओवरलोड कर देते हैं हाँ। कभी तो आप कस्टमर, तो इसमें अगर हर लेयर पे पेपर होगा तो फिर वो ट्रांसफार्मर टूटने का चांस कम हो जाएगा। यहाँ पर देखो भाई दासी लिखा हुआ है, और चीज यहाँ पर भी आरआर कंपनी के वायर यूज कर रहे हैं। देखो एकदम छोटे छोटे बारीक से बारीक चीज भी दिखा रहा हूँ भाई, फैक्ट्री विजिट कर रहा हूँ, इतना दूर से आया हूँ सर। और यहाँ पर क्या होता है, 10 KVA का बता, वो कितना KVA का था सर? वो 8 KVA का था, और ये 10 KVA का हो रहा है। ये यहाँ पर देखो फिर से, ये यहाँ पर भी देखो 10 KVA में आरआर कंपनी का कॉपर वायर यूज हुआ है। यहाँ पर देखो ये स्पेशल फॉर डीजे के लिए, समझ गए, ये कॉपर वायर है भाई। देखो काफ़ी मोटा गेट यूज कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर देखो भाई ट्रांसफार्मर देखो भाई, ये तैयार होने के लिए। और भी अब यहाँ पर, अब इसकी ये जो जगह भैया काम कर रहे हैं, यहाँ पर राउटर लगा रहे हैं, जिसको वोल्टेज कम बेस करते हैं ना, यहाँ पर देखो ये राउटर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर सर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी राउटर में नोट बोल्टू लगा रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं सर, इसे वही तो बोलते हैं ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सर, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर फिटिंग हो रही है। जैसे कि वहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में राउटर लग रहा था ना, वो राउटर यहाँ पर आके फिटिंग होगा, मैंने अपना कैबिनेट में, मैंने ये बॉडी में फिटिंग हो रहा है इसमें, ठीक है। फिटिंग किस तरह से होता है यहाँ पर आप लोग आराम से देख सकते हो, एकदम देखो एकदम प्योर एंड क्लीन एंड क्लियर काम हो रहा है। मैंने इसका आगे भी एक बार आप लोग को खोल के दिखाया था, इसके वजह काफ़ी साफ सुथरा काम होता है दाची का। ये 20 KVA का है ना, जो वहाँ पर रखा हुआ है सर, वही है ना। हाँ सर, इसके बाद में आप और किस तरह है, यहाँ से उसके बाद से ओ यहाँ से वो राउटर लगने के बाद में यहाँ देखो, यहाँ अब ये काम ख़त्म होने के बाद में यहाँ पर रख देते हैं सारा माल को, ये माल उठा के यहाँ से फिर उठा के ये भाई यहाँ से वायरिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ से वायरिंग का काम शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखो और एक चीज़, वहाँ पर एक चीज़ था सर आपको, वहाँ पर एक स्टेप है जो जिसको हम लोग क्या कौन सा स्टेप है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। हाँ सर, यही है ना सर, वो हाँ, वो 5 KVA का था, ये 10 KVA, वो 10 KVA का सर। इसका बारे में मुझे कुछ बोल दीजिए ना कुछ। हाँ जी, मैं बताता हूँ, ये हाँ। जैसे ट्रांसफार्मर, जैसे मैंने आपको बताया था, वो मोटर होता है सर। एक्सक्यूज मैं एक चीज़ पहले एक बार बोल दूँ, जो सर जी वहाँ पर जो उसका क्या नाम था सर, सर्वो टाइप वोल्टेज स्टेबलाइजर जो वहाँ पर नया कुछ रखा हाँ था। जी, हाँ, जी। हाँ उसका देखो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 क्या है सर, 6 रिले हैं ये 6 रिले। हाँ जी, वो मोटर जो सर्वो होता है वो मोटर से चलता है, और इसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये रिले बेस्ड ट्रांसफार्मर से होता है, काम बिल्कुल सर्वो की तरह करता है, बट प्राइस में कम हो जाता है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज नहीं होता। सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती है ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज की, जो मोटर की आती है सर्वो में, वो हमने दूर करने के लिए नया मॉडल निकाला, ये है ट्रांसफार्मर बेस्ड, काम बिल्कुल सर्वो की तरह करेगा, ऑटोमेटिक है सारा, ये सारा ऑटोमेटिक है ना। यहाँ पर देख सकते हो भाई, आप लोग का नज़र का सामने में जो भाई स्टेबलाइजर की जानकारी रखते हैं, यहाँ पर देखो क्या क्या लगाए हैं दाची ने, अपना नया मॉडल लॉन्च किए हैं ये लोग। R&D में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, काफ़ी ज़्यादा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, कोई भी आप लोग अगर सस्ता से सस्ता मोबाइल भी खरीदते हो, महंगा से महंगा मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल खरीदने के साथ साथ में आप जिस तरह से टेम्पर ग्लास मोबाइल कवर लगाते हो ना, उसी तरह सबसे पहले डीजे, तो भाई लाखों रुपये का डीजे खरीदते हो, लेकिन आप लोग कभी स्टेबलाइजर, अच्छा स्टेबलाइजर खरीदने में पैसा नहीं खर्च करोगे, तो आपका साउंड डीजे कहाँ अच्छा होगा भाई, आपका भी तो डीजे अच्छा नहीं होगा। आपको अगर अच्छा डीजे करना है तो आपको जिस तरह से मोबाइल में टेम्पर ग्लास कवर जितना ज़रूरी है, उससे तो हज़ारों गुना ज़रूरी आपका डीजे के लिए आपका स्टेबलाइजर ज़रूरी है भाई। काफ़ी सबसे पहले आपको स्टेबलाइजर हमेशा अच्छा लेना चाहिए। देखो दाची कितना अच्छा से R&D करके, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पर। अब इसको टेस्ट किस तरह से किया जाएगा, यहाँ पर सर मुझे इसके बारे में कुछ बोल दीजिए, तो इसको टेस्ट कैसे किया जाएगा। यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर रखा है, मैं तो कुछ समझा नहीं सर, आप मुझे समझाओ सर, आप भी आके कुछ समझाओ।
ये इनपुट मीटर, एम्पियर मीटर, ये एम्पियर मीटर है, ये आउटपुट मीटर, ये इनपुट मीटर है। देखो भाई, और ये एम्पियर मीटर, ये आउटपुट का वोल्ट मीटर, ये इनपुट का वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ पर भाई करके दिखाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा 250 पे कट, यहाँ पर देखो, देखो ऑटो कट ऑटो कट सारा सारा यहाँ पर दिखा के रख रहे हैं। यहाँ पर देखो, और एक चीज, नया चीज, और देखो, हमेशा अच्छा कंपनी हमेशा आरएनडी पे ध्यान देता है। पहले आप लोग का सर ये नहीं आता था इंडिकेटर में, ये पहले कब से लगा रहे हो सर? ये हो गया लास्ट मंथ से, कस्टमर ने बोला कि वो कि उसमें जब हम लगाते तो हमें पता, देखो सर कस्टमर ने नहीं बोला, मैंने एक वीडियो बनाया था सर, वीडियो बनाया था इसका इसका इस बारे में मैंने वीडियो बनाया था, मेरा यूट्यूब में भी था। देखो भाई, कुछ किसी का देख के, मैंने किसी से संध्या लेके, मैंने ज्ञान लेके, मैंने छोटा छोटा चीज़ को भी दाची वाले ध्यान देते हैं, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। क्यों भरोसा करता हूँ? एक छोटा से छोटा चीज़ को भी ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था ये चीज़ प्रॉब्लम है बोल के, तो उन्होंने प्रॉब्लम का जड़ से ही उखाड़ दिया, क्योंकि देखो न रहेगा बाँस न रहेगा बाँसुरी, इसीलिए अभी इतना अच्छा सिस्टम कर दिया, बाईपास तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर लाइन आके बैठ गया। देखो ये होता है भाई दाची, इसलिए मैं दाची पर हमेशा पीता हूँ। छोटा 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 से छोटा बारीक से बारीक चीज़ें पर ये लोग ध्यान देते हैं सर। और क्या दिखाएंगे सर? और उसके बाद ये वायरिंग हो रहा है, ये देखो यहाँ पर अभी फायर 5 KVA का वायरिंग हो रहा है, यहाँ पर भी 5 KVA का वायरिंग हो रहा है, यहाँ पर भी 5 KVA, सब 5 KVA। और सर ये बोर्ड क्या है सर? ये सर्किट होते हैं, ये जो उसके अंदर लगते हैं, ये भी हमारी खुद की इनबिल्ट है, ये आप लोग खुद बनाते हो? खुद मैन्युफैक्चरिंग है। बारे बाप, ये स्टेबलाइजर के अंदर में लगते हैं जो, देखो ये सब यहीं पर बनता है। अब यहाँ पर वायरिंग का काम चल रहा है, देखो ये पीसीबी बोर्ड, ये पीसीबी बोर्ड कहा जाता है इसे, पीसीबी बोर्ड। देखो ये आरएनडी, यहाँ पर रिसर्च, देखो रिसर्च एंड डेवलप अभी आरएनडी हो रहा है यहाँ पर। देखो देखा, ऐसा होता है भाई, बड़ा कंपनी का कुछ बात ही नहीं लड़ा होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आरएनडी हो रहा है, हम लोग को भी अभी अंदर जाने का परमिशन नहीं है, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलप चल रहा है। आरएनडी रूम है ये, आरएनडी रूम है, ठीक है। और ये स्टोर रूम है, यहाँ पर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, इसीलिए। और ऊपर में देखो भाई, सारा पूरा फैक्ट्री भरा हुआ है। देखो यहाँ पर थर्मोकोल की पैकिंग है, सारा जो भी स्टेबलाइजर निकलेगा उसमें थर्मोकोल की पैकिंग होगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डैमेज, देखो ट्रांसपोर्टेशन में कोई डैमेज ना हो। ये सारा, ये जितना देख रहे हो सारा 5 KVA है, ये सारा 5 KVA है। ऊपर एक बार जाके चेक, ऊपर भी विजिट मार लेंगे, ठीक है भाई। मैंने सोचा भी नहीं था अचानक सडनली दाची का फैक्ट्री विजिट भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर देखो, ये है दाची, यहाँ पर देखो भाई, सारा माल खचा खच भरा हुआ है, खचा खच भरा हुआ भाई, खचा खच भरा हुआ माल। यहाँ पर देखो, ये सारी कैबिनेट, ये सारी कैबिनेट है, अब यहाँ पर फिटिंग होंगे। यहाँ पर देखो भाई, जैसे कि आप लोगों को अगर स्टेबलाइजर का सारा वीडियो देख चुके हैं, अगर अभी सब स्टेबलाइजर बनने के बाद में कंप्लीट, जब स्टेबलाइजर बन जाता है ना, तब ये थर्माकोल में पैकिंग होता है। आप लोग ने मेरा अनबॉक्सिंग देखा होगा, यही ऐसे ही थर्माकोल का अंदर में माल रहता है ना। ये देखो, ये थर्माकोल इतना ह्यूज क्वांटिटी में रखे हैं, ये थर्माकोल में पैकिंग होगा। देखो स्टेबलाइजर ये 5 KVA के लिए होगा, ये थर्माकोल में पैकिंग होगा। ये सारा इतना ज़्यादा, ये जो दिख रहे हो सारा ये थर्माकोल है, देखो ह्यूज भाई। अब देखो भाई, काफ़ी बड़ा फैक्ट्री है, काफ़ी से भी काफ़ी बड़ा फैक्ट्री है। ये सारा इसी में पैकिंग होगा, जितना भी स्टेबलाइजर बनेगा ना, इसी में पैकेटिंग होगा। थर्माकोल में पैकिंग होने के बाद में, वहाँ पर देख सकते हो आप, थर्माकोल में थर्माकोल सारा लगा, थर्माकोल में पैकिंग होने के बाद में, यहाँ पर देखो भाई, ये है दाची का कार्टून। यहाँ पर देखो, ये कार्टून में माल फिटिंग होगा, फिर इसके ये कार्टून में माल पैक होगा, ठीक है। ये कार्टून में माल पैक होने के बाद में, और एक इसके ऊपर में और एक कार्टून रहेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो भाई, ये कार्टून में पैक होगा। देखो आप मेरा वीडियो में देख चुके होंगे, ये कार्टून नरम कार्टून होता है, ये कार्टून काफ़ी मोटा होता है। देखो ये कार्टून में माल पैक होगा, देखो। अब जाएंगे हम लोग अंदर, यहाँ पर क्या लिखा है अभी देख देता।
यहाँ पर वाइंडिंग एरिया माने यहाँ पर जितना एसी है एयर कूलर का ट्रांसफार्मर यहाँ पर बेंडिंग होता है। सबसे पहले इस तरह से दिखाता हूँ, यहाँ पर यहाँ पर फिर बोल दूँ, ये सारा जितना भी ट्रांसफार्मर बन रहा है ना एसी के लिए बन रहा है। यहाँ पर देखो किस तरह से बेंडिंग किया जाता है, देखो ये कितना राउंड घूम रहा है यहाँ पर दिखा रहा है ना। हाँ ये कितना राउंड, अभी 98 100 राउंड घूम चुका है यहाँ पर देखो। और ये कुछ बड़ा ट्रांसफार्मर है और कुछ छोटा सा, ये थोड़ा छोटा, उसमें 77 राउंड घूम चुका है, 78 80। यहाँ पर देखो ये बेंडिंग होने के बाद में आप इसको टेप से इसको बेंडिंग कर रहे हैं, टेप से, सेलो टेप से। देखो ये है सेलो टेप से इसको बेंडिंग किया जाएगा। ये होने के बाद में कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर देखो ठीक है, ये वो हो रहा है, ये होने का कंप्लीट है, ये हो रहा है, ये होने के बाद में कुछ इस तरह रहेगा, यहाँ पर देख सकते हो। और एक चीज़ दिखा दूँ, ये भट्टी है, इसको हिंदी में भट्टी कहा जाता है। ये जो कॉपर को लपेटा हुआ है ना, इसमें डुबा दिया जाएगा, डुबाने के बाद में ये पूरा सोल्डिंग हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा चीज़ है ना, इसको हाथ से सोल्डिंग नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाथ से इसको बारीक काम है, इसको जहाँ पर भी लूज कनेक्शन कुछ भी कनेक्शन इसको चेक किया जाएगा। देखो ये अल्मोनियम का कितना कितना, कॉपर का, यहाँ पर सारा काम यहीं पर होता है। देखो यहाँ पर देखो कुछ माल कॉपर के हैं और कुछ अल्मोनियम के हैं, जिस तरह का ऑर्डर मिलता है उसी तरह का ये लोग बनाते हैं। फिर यहाँ पर ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पर ये टीगर कहते हैं, टीगर डलता है। टीगर बोले तो क्या होता है सर? टीगर ये लास्ट में टीगर डालते हैं जिससे अपना सर्किट सेंस करता है। और सर्किट के लिए जो लास्ट में डलता है ये, इसको हाथ से ही किया जाता है, मशीन से नहीं होता ये। ओ ये मशीन से नहीं होता, इसीलिए ये स्पेशल हाथ से ही होता है। इसकी मशीन बनी ही नहीं, इसको अभी तक मशीन बनाई नहीं, इसको टिगर मिली नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से फिर बाहर निकल जाते हैं और आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। सारा ट्रांसफार्मर कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है EI कोर फिटिंग एरिया, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का मैंने कंप्लीट फिटिंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लोहे के पत्ती के क्या है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग पहचानते होंगे, मैं तो जानता नहीं, इसको फिटिंग करते हैं सर। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको यही टी आई है क्या? हाँ, ये टू आर प्लस का कोर है, कोर बोलते हैं इसको, टू आर प्लस का। ओ यहाँ पर फिटिंग होगा, देखो यहाँ पर अभी इस तरह से काम हो रहा है। देखो 100% कॉपर है, जो बोलते नहीं है यहाँ पर देखो 100% कॉपर है, देखे ये क्यों बोलते नहीं है करके दिखाते हैं। ये कॉपर का काम कंप्लीट हो जाने के बाद में देखो यहाँ पर इस तरह से इसको टाइट कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। और ये सब होने के बाद में और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये वार्निश कुछ कहते हैं आप लोग, इसमें डुबाने के बाद में सुखाने के लिए रख दिया गया है सारा। ये प्योर कॉपर है, 100% कॉपर ट्रांसफार्मर, 100% प्योर कॉपर ट्रांसफार्मर। देखो यहाँ पर एकदम जो है नज़र का सामने में, आप लोग का नज़र का सामने में, यहाँ पर देखो इसको बोलता है ब्रांड भाई, इसको बोलते हैं ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता भाई, बहुत सालों की मेहनत, बहुत सालों की R&D, छोटी छोटी चीज़ पर R&D करने के बाद में वो ब्रांड होता है। कस्टमर का सेटिस्फाई होना पड़ेगा, 0 कंप्लेन आना पड़ेगा, तो ही ब्रांड बनता है। एक ऐसा कंपनी है जो फर्स्ट कंपनी इंडिया का, जो पूरा DJ मार्केट में फर्स्ट स्टेबलाइजर स्पेशल फॉर DJ के लिए कुछ स्टेबलाइजर भी लाए थे, यही लोग फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट ब्रांड है जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल DJ के लिए स्पेशल स्टेबलाइजर बनाते हैं भाई। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, मैं बेचता भी हूँ और इसका वीडियो भी बनाता हूँ। अगर आप लोग को भी ये चीज़ यूज करना है तो भाई यूज कर सकते हो, शौक से यूज करते हो, भरोसा भी कर सकते हो इसको, क्योंकि दाची नाम नहीं भाई, एक ब्रांड है, ब्रांड ऐसे ही ब्रांड नहीं बनाया भाई,
काम करके ब्रांड बना। ये है स्टोर रूम, यहाँ पर माल काफ़ी ज़्यादा माल रखा हुआ है और कुछ काम करने का मशीन भी, वहाँ पर भी मशीन है और यहाँ पर भी मशीन है। ये मशीन में देखते हैं क्या है, ये क्या है, ये तार को जिस साइज का चाहिए उस साइज का आपको ये काट के देंगे। देखो भाई काफ़ी अच्छा मशीन है, देखो तार को जितना सीएनसी मशीन है ये छोटा वाला, जितना बड़ा तार चाहिए ये जितना इसको छील के भी एकदम तैयार करके रेडी कर देता है। देखो ये ऑटोमेटिक कट रहा है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक बार देख ले ये मशीन क्या काम करता है। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, ये 0.5 का पीस बन रहा है ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन। 0.5 का क्या बोल बन रहा है, 0.5 के बी का, मैं हाफ के बी का, हाफ के बी का ट्रांसफार्मर बन रहा है ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन से। ओ भाई काफ़ी हाईटेक मशीन है ऑटोमेटिक, ये एकदम आपको हाफ के बी स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर बन रहा है साधारण सरल भाषा में। ये थर्मोस्टेट कहते हैं इसे, जैसे ओवरलोड पे ना ये ऑटोमेटिक कट कर देगा आपका, ओ जिससे ट्रांसफार्मर फूकेगा नहीं। देखो भाई दाची बहुत एडवांस मशीन रखा है, मैं एकदम हाईटेक मशीन रखा है एकदम सुपर। अभी तक मैंने बहुत सारे कंपनी तो ये मशीन देखे भी नहीं है तब भी स्टेबलाइजर बना के बेच रहे हैं, लेकिन दाची ये सब एकदम हाई टेक्नोलॉजी में काम करके अब स्टेबलाइजर बना रहे हैं, इसीलिए इंडिया का नंबर वन स्टेबलाइजर बनाने वाला मैन्युफैक्चर दाची है। अभी हम लोग के बीच में बैठे हैं दाची के मेन ऑनर, यहाँ पर देखो रॉबिन पावर सिस्टम लिखा हुआ है ना दाची में, देखो दाची में रॉबिन पावर सिस्टम लिखा होता है हमेशा, रॉबिन सर यही है। हेलो सर नमस्कार, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार किशोर जी, और मेरी तरफ से सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। सबसे पहले तो किशोर जी आपका एकदम सरप्राइज यहाँ आना हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमें ऐसे सरप्राइज देते रहें। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कस्टमर मेरे व्यूअर, हाँ जी, दाची का स्टेबलाइजर क्यों खरीदे, क्यों ले, आप कुछ इस विषय में बोलो, क्योंकि मार्केट में तो 10-20 ब्रांड छोड़ के दाची ही क्यों खरीदे, इस विषय में आप कस्टमर मेरे व्यूअर मेरे फॉलोअर मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ अच्छा चीज़ या कुछ खराब चीज़, अपना स्टेबलाइजर के बारे में कुछ खूबी बोलोगे। जरूर किशोर जी, सबसे पहले तो मार्केट में स्टेबलाइजर्स बनाने वाले बहुत से लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, तो दाची में ये खासियत है कि एक तो सबसे पहले दाची जो है साउंड सिस्टम में स्पेशली साउंड सिस्टम के लिए स्टेबलाइजर बनाने वाली सबसे पहली कंपनी है, जिसमें डिजिटल मीटर भी होता है, हाई कट ऑफ भी है, कस्टमर की नीड्स को देखते हुए एम्पेयर मीटर एंड फ्रीक्वेंसी मीटर भी दाची ने ऐड कर दिया है अपने स्टेबलाइजर्स में। उसके बावजूद दाची अपने कस्टमर्स की नीड्स को देखते हुए नए नए इनोवेशंस करते रहता है, उसमें नई नई फीचर्स जोड़ते रहता है। जैसे कि सबसे पहले तो दाची की स्टेबलाइजर खरीदने की वजह यह है कि दाची साउंड सिस्टम में जो भी स्टेबलाइजर्स बनते हैं उसमें EI ट्रांसफार्मर यूज़ करता है, जिससे कोई हमिंग की साउंड नहीं आती है, कोई ड्रॉपेज नहीं आती है। और एक चीज़ सर आपका मैं बात काट रहा हूँ, ये EI ट्रांसफार्मर क्या होता है सर, मेरे फॉलोअर के लिए कुछ बोल दो। सर EI दो तरह के एक्चुअली ट्रांसफार्मर जो होते हैं स्टेबलाइजर में, दो तरह के होते हैं, एक तो राउंड ट्रांसफार्मर होता है जिसे हम ट्रॉयडल ट्रांसफार्मर्स बोलते हैं, और एक EI पेस ट्रांसफार्मर होता है जिसमें ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन कोर लगती है, कॉइल बन के उसके ऊपर लेमिनेशन कोर लगती है। तो जो ट्रॉयडल ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो ट्रांसफार्मर हमेशा ड्रॉपेज मारते हैं, और कई बार जो है वो 50-50 वोल्ट्स तक ड्रॉपेज करते हैं। जो EI ट्रांसफार्मर्स है उसमें हमारे दाची के स्टेबलाइजर में कोई ड्रॉपेज नहीं होती है। तीखा सवाल आपसे एक मेरे तरफ से, एकदम तीखा सवाल। हाँ जी, दाची में कितना वोल्ट तक ड्रॉपेज मारने का संभावना है, क्योंकि देखो सर अभी जवाब देने से पहले मेरे कम से कम 50 से 100 फॉलोवर आपका दाची यूज कर रहे हैं, कस्टमर भी यूज कर रहे हैं। हाँ जी सर, दाची का जो स्टेबलाइजर है वो कभी ड्रॉपेज नहीं मारता, 2-4 वोल्ट हर स्टेबलाइजर में ड्रॉपेज होती है, वो तब होती है कि जब आपकी बेस जब बजती है तो जो आपका लोड चल रहा होता है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। मीन्स अगर आपका 10 एम्पेयर लोड चल रहा है तो वो 20 एम्पेयर हो जाएगा जैसे ही उसमें बेस बजेगी।
तो उस टाइम पे दो चार वोल्ट ड्रॉप मारता है और उसे ड्रॉपेज में नहीं गिना जाता है।